अवेक देशिक अथा तस्याप अनुष्ठेयानि, फिर भी तस्यापि तादृश आम मुक्षु विद्या का अकामुक किंतु अन्य फलों की कामना करने वाले को भी स्वाश्रम के नित्य और नैमित्तिक कर्म जो भी उनको करना ही चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहता है न तर्ही एषा विद्या साधनत्वम् नित्य नित्य संयोग विरोधात्, फिर तो इनको विद्या का साधन मत मानो, नित्य और अनित्य परस्पर संयोग विरोध हो जाएगा। ये तरह उनको नित्य नैमित्तिक कर्म सकलों के लिए अस्वीकार कर रहे हो और जब विद्या का अंग भी मानना चाहते हो, परस्पर विरुद्ध बात होने से ये नहीं हो सकता। या तो उसको विद्या का अंग मानिए या तो सर्व संबंधी मानो, उसको सर्व के साथ संबंध होगा। अस्याम प्राप्तो पठती, अब सिद्धांत मुख्य शुरू करता है। अस्याम प्राप्तो पठती सूत्र का पाठ हुआ। आश्रम मात्रनिष्ठस्यापि अमुमुक्षोः कर्तव्यानि एव नित्यानि कर्माणि इति। आश्रम मात्रनिष्ठा रखने वाला अमुमुक्षु है, विद्या का अनिच्छु है, उसे भी कर्तव्यानि एव नित्यानि कर्माणि, उसके द्वारा भी सकल नित्य कर्मों का अवश्य अनुष्ठान करनी चाहिए। यावज्ज अग्निहोत्र ज्योति इत्यादि निविदत्व, के दोनों विधायक सूत्र अलग अलग है, विधि मंत्र अलग है। एक कह रहा है यावज्ज अग्निहोत्रम ज्योति, अजर यज्ञ निदान तपसान आशिकेन कह रहा है, दोनों अलग अलग वाक्यों से संबंध का बोध हो रहा है। एक यावज जीवन संबंधी है और दूसरा यावज जीवन संबंधी नहीं है। अच्छा, यावज्जीवम अग्निहोत्र ज्योति इत्यादि नवी तत्वात नहीं वचन से भारो नाम कश्चित दस्ति, वचन को व्यवस्था करने के लिए कोई भार महसूस नहीं होता, वचन को व्यवस्था देने के लिए कोई बोझा महसूस नहीं होता। अरे एक वचन कह रहा है यावज्जीवम कर व्यवस्था दे रहा है, दूसरा यज्ञ निदान करके दे रहा है संबंध, तो इन दोनों परस्पर विरोधी नहीं हो सकते व्यवस्थापक सूत्र वाक्य होने से। अथ यदुक्तम, अब कहते व्यवस्था कैसे होगा, दोनों पर से विरोध हो गया, विद्या का साधन नहीं हो सकता। अथ यदुक्तम नैवं सति विद्या साधनत्वम् एषां सेति, अथ उत्तरम पठ, उसका भी जवाब दे रहे हैं। सहकारित्वेन च इति, सहकारित्वेन च, सहकारित्वेन च गोदिया, और विद्या की उत्पत्ति में सहकारी रूप से यज्ञ आदि का कर्म अनुष्ठेय है, तमेत वेदान वचन इत्यादि श्रुति से यह स्पष्ट रूपेण विहित है। यदि भी मोक्ष काम विद्या मापने आता ऐसा कोई विधि नहीं है, फिर भी यहां हम मान लेंगे किस आधार पर, कहते सहकारी कारणों की वजह से, दृष्टांत से समझाएंगे। विद्या सहकारीणी चैतान्य स्योर वी तत्वादेव, इन सब का विद्या के सहकारी मानेंगे, क्यों विहितत्वात् हेतु दिया, तम एतम वेदान वचन ब्राह्मण विचन्ति इत्यादि ना विहितत्वात्, तदुक्तम विधि है, बात पूर्व में सिद्ध कर चुका हूं, तदुक्तम सर्वापेक्षा यज्ञ श्रुते है अश्वत्थिति, इस सूत्र में पूर्व में विचार करके सिद्ध कर चुके विधि है। न चेदम विद्या सहकारित वचनम आश्रम कर्मणाम प्रयाजादिवत विद्या फल विषय मंतव्यम, लेकिन पूर्व पक्षी का कहना है का विषय पूर्व पक्षी के खिलाफ बोल रहे हैं, यद्यपि यहाँ पर जो अंगांगी भाव कहा जा रहा है उस प्रकार का अंगांगी भाव नहीं है जिस प्रकार से दर्शपुरवास के प्रति प्रयाज होता हो, सिद्धांत जवाब दे रहा है। यदि वो कहता है उसी प्रकार का अंगांगी भाव यहाँ भी मानना है तो ऐसी बात नहीं है, क्यों विद्या सहकारित्व का वचन आश्रम कर्मों का प्रयाज आदि के समान विद्या फल विषयक नहीं है, विद्या उत्पत्ति विषयक है, विद्या फल विषयक नहीं। जैसे दर्शपूर्णमास का अंग प्रयाज है, लेकिन प्रयाज जो दर्शपूर्णमास का अंग है केवल अंग नहीं है, वो फलदायक अंग है। वो यदि वो अंग नहीं करोगे तो दर्शपूर्णमास का फल ही नहीं मिलेगा आपको, यानी ऐसा यहां नहीं है। पहले विचार हो चुका है फलोत्पत्ति में इनका कोई लेन देन नहीं होता, विद्योत्पत्ति मात्र में, और स्पष्टीकरण से कथन कर रहे हैं यहां पर विद्या के सहकारित्व का वचन मात्र से आप आश्रम कर्मों को प्रयाज आदि के समान विद्या का फल पर्यंत विषय बना दो, ये नहीं हो सकता। न विषय मंतव्य विषय इति न मंतव्य, क्यों आविधि लक्षण तत्व विद्या,
क्योंकि विद्या का वास्तव में साक्षात कोई विधि और अंगांगी भाव नहीं है किसी के साथ में। मोक्ष कामो विद्याम आपनयात, ऐसा नहीं कहा। दर्श प्रणमासाभ्याम स्वर्ग कामे जित जैसा है तो विद्या मोक्ष कामो पठे तैसा या अधीता, ऐसा कुछ भी विधि नहीं है, है कि नहीं। विद्या के द्वारा मोक्ष कामना वाले को अध्ययन करना चाहिए, ऐसे ऐसे कहां बोला कहीं? कहीं भी इस प्रकार का विधि साक्षात नहीं है। अविधि लक्षण विद्या, अर्थात विद्या में विधि का स्वरूप नहीं घट सकता है, विद्या में विधि का स्वरूप नहीं घट सकता। क्यों? असाध्यत्व विद्या फल कि विद्या का जो फल है वो साध्य ही नहीं है ना। विधि वहां होता है जब साध्य साधन भाव की व्यवस्था हो, और जब साध्य ही नहीं है जिसका, ऐसे वस्तु का विधि कैसे करोगे, उसका साधन कैसे निर्णय करोगे? इसलिए वास्तविक कथा तो यह है विद्या का फल साध्य नहीं है, अतएव विद्या विधि नहीं हो सकती, अतएव विद्या को हम विधि करके कथन नहीं कर सकते। क्यों? विधि लक्षण में साधन दर्श प्रणमासादि स्वर्ग फल सिसादेशया सहकारी साधनांतरम अपेक्षते नैवं विद्या। विधि का स्वरूप यह है कि वो साधन की मांग करता है, इसलिए विधि लक्षण क्या है? साधन ही है, मानो एक तरह से विधि लक्षण में साधन। ये कहां देखा गया? दर्श प्रणमासादि स्वर्ग फल सिसादेशया सहकर साधन, जिसे दर्श प्रणमासादि जो यज्ञ है स्वरूपी फल को साधन करने की इच्छा से, सिद्ध करने की इच्छा से सहकार्य साधनांतर प्रयाज आदि उनकी अपेक्षा करता है, वैसे विद्या नहीं करती है। नैवं विद्या तथा च उक्तम, इस बात को भी हमने पूर्व में कह दिया, अतएव च अग्निंदनादि अनपेक्षा। यहां जो साध्य साधन भाव माना जा रहा है या विधि माना जाता है जो विद्या में, वो उस प्रकार की विधि नहीं है जिस प्रकार से आप कर्मकांड में मानते हो। या विधि का अर्थ समझना पड़ता है, अपूर्व विधि है, हम बार बार हम लोग चलते अपूर्व विधि है, लेकिन अपूर्व विधि होते हुए भी उन मीमांसकों के जैसा अपूर्व विधि हुआ करता है, विधि अत्यंतम अप्राप्त हो तो उतने अर्थ में हम स्वीकार करेंगे। साध्य साधन भाव को लेकर के विधित्व का लक्षण जो मानते हो वो हमारे माने नहीं, जन्म गया ये आदर्श विधि वो मानते हैं, उस प्रकार का विधि हम आत्म दृष्ट किसी में नहीं मानना चाहते। और उनका विधि लक्षण क्या है? साधन प्रधान होता है और फल पर्यंत टिकता है, फल पर फल प्रदायक मानते हैं उसको, अपूर्व द्वारा टिके चाहे जैसा भी टिकेगा, वो प्रयाज अंग नहीं करेगा तो दर्श प्रमा स्वर्ग दे नहीं सकता, लेकिन यह ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं तथा चुक्तम, यह बात हम पहले कहते हैं, अग्नि इंधन आदि की वास्तव में अपेक्षा नहीं है फलोत्पत्ति में, तस्मात उत्पत्ति साधनत्व एव एषाम, आगे ना, केवल विद्या का उत्पत्ति का साधन होने से विद्या का विधि का सहकारी कारण मान लेंगे हम, लेकिन इसका फलोत्पत्ति में कोई संबंध नहीं है। उस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है यहां पर हम विद्या को विधि रूप नहीं मानते, विधि लक्षण नहीं मानते। ये जो खंडन किया जाता है क्यों, मीमांसकों में जितनी विधियां हैं वो फल संबंध बोल कर आता है, फल संबंध के बिना विधि नहीं होती, अतः वे विधि का जो सहकारी कारण होता साधन होते हैं वो फलोत्पादक हो जाते हैं, उस प्रकार का साध्य साधन भाव विधियों में यहां नहीं है। तस्माद उत्पत्ति साधनत्व एव येषां सहकारित्वाचो युक्ति। इसलिए जितने वचन हम कह रहे हैं साध्य साधन भाव कार्य कारण भाव का सिद्धन कर रहे हैं, विद्या का साधन यज्ञ आदि जो कह रहे हैं वो केवल उत्पत्ति मात्र को लेकर के है, उत्पत्ति का साधनत्व को निमित्त को बना करके इनमें सहकारी कारणता कथन कर रहे हैं हम। नित्यो ही एक संयोग यावत जीवादि वाक्य कल्पितो न तस्य विद्या फलत्व। दो संयोग है यहाँ, है ना, संयोग पृथक पुण्याय, दो पृथक पृथक संयोग है, एक नित्य संयोग है एक दूसरा अनित्य संयोग है। नित्य संयोग भी विद्या फल देने वाला नहीं है, अनित्य संयोग भी विद्या फल देने वाला नहीं, यानी उनके ऐसा नहीं होता, उनके नित्य संयोग विशिष्ट फल देने वाला होता है और अनित्य संयोग भी
यत्किंचित फल के लिए होता है। जैसे खाद्रो युपम भवति, ये नित्य फल के लिए हो गया, जो भी याग है उस युप संबंधी याग जो भी कर रहे हो उसका जो फल होगा उसे खाद्र तत्पुर सिद्ध कर डालेगा। वीर काम से खाद्र युपम भवति का कुर्वित कह दिया, ये क्या करेगा वीर काम फल के साथ भी जुड़ गया। नित्य संयोग में भी फल संबंधी है वो, अनित्य संयोग में भी फल संबंधी होता है, यानी अविद्याएं ऐसी नहीं होती। इसलिए कहते विद्यारूपी विधि में ये बात घटेगा नहीं, नित्यो ही एक संयोग। कौन सा? यावत जीवादि वाक्य कल्पितो, यावत जीवादि वाक्य कल्पित जो कर्म है वो नित्य सकल आश्रमियों को, चाहे मोक्ष मुमुक्ष हो, चाहे विद्या चाहता हो नहीं चाहता हो, सभी आश्रम निष्ठ पुरुषों के लिए यावत जीवादि जो वाक्य कल्पित कर्म है वह विद्या फल संबंधी नहीं होता। अनित्यस्तु अपरा संयोग, अनित्य जो है दूसरा संयोग है, वो क्या कहता है? तम एतम वेदान वचन इत्यादि वाक्य कल्पित तस्य विद्या फलत्वम, वही विद्या को उत्पन्न करने में विद्या फलत्वम, इधर विद्या उत्पादकत्व या विद्या फल में विद्या उत्पादक, विद्या के स्वरूप को उत्पन्न करने वाला। यथा दृष्टांत से लेकर आ रहे, यथा एकस्य खादरत्वस्य नित्येन संयोग कर्तृत्वम् अनित्येन संयोग पुरुषार्थत्वम् तद्। वहां तो पुरुषार्थ तभी मानते हैं, यहाँ ऐसा नहीं, इतना ही अंतर है। वहां एक जो ही खादरत्व को नित्य संयोग के आधार पर आपने क्या कर दिया? कर्तृत्वता मान लिया, और अनित्य संयोग के माध्यम से वह वीर काम रूपा पुरुषार्थ घोषित करने वाला मान लिया। तद्वत यहाँ पर इन कर्मों को भी समझो, यावत जीवा श्रुति के आधार पर विद्या की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं होता। यावत जीव अग्निहोत्रम जीवादि इत्यादि जो श्रुतियां हैं, जो नित्य श्रुति आश्रमस्थ आश्रमी मात्र के लिए विहित जो श्रुतियां हैं, वे श्रुतियां विद्या की उत्पत्ति में कोई सहयोग नहीं देते। लेकिन उन्हीं को लेकर के फिर क्या जोड़ा? तम एत वेदान वचन इत्यादि के रज्ञ वेदान तपसा विभिषंति, इस मंत्र के द्वारा अनित्य संयोग जम्मन जोड़ दिया नित्य कर्म और निमित्त कर्मों का विद्या उत्पत्ति के साथ में। इसे यहां अंतिम इन वाक्य में जो विद्या फलत्म जो आया ना, विद्या फलत्म विद्या फलत्म दो बार जो आया, विद्या फलोत्तम का अर्थ विद्योत्पादकत्व समझना, यहाँ फल शब्द उत्पादकता में है, मोक्ष से तात्पर्य नहीं है। सर्वथापि तएव उभयलिंगात, एक और हेतु दे रहे हैं, सर्वथापि तएव उभयलिंगात, ते एव यज्ञादि कर्म एव, ते मन यज्ञादि सामान्य कर्म एव, सर्वथापि आश्रमित पक्षे और विद्या सहकारित पक्षे, सब प्रकार से चाहे आश्रमित्व सामान्य के साथ संबंध हो, चाहे विद्या उत्पत्ति के साथ संबंध सहकारी रूपेण संबंध हो, जैसा भी संबंध होगा दोनों ही प्रकार से वह तो अनुष्ठेय ही है। क्यों? उभयलिंगा, कि दोनों के प्रति हमारे पास श्रुतियां उपलब्ध है, चाहे केवल आश्रम आपनिष्ठ हो, चाहे विद्या की इच्छा भी आपके पास हो, मोक्षता भी हो, तो भी नित्य नियमित कर्मों को तो करना ही पड़ेगा। सर्वथापि आश्रम करोत पक्ष है, विद्या सहकारित पक्ष है, इच्छा सर्वथापि की व्याख्या कर रहे हैं, आश्रम कर्मत पक्ष एक और दूसरा पक्ष कौन है? विद्या सहकारित पक्ष, इन दोनों ही पक्षों में अर्थात मुमुक्षु अमुक्षु उभय के लिए तेयेव अग्निहोत्र आदि धर्मा अनुष्ठेयाः, वे जो अग्निहोत्र आदि कर्म है नित्य नियमित कर्म वो तो अनुष्ठेय होंगे ही। क्यों जी? त एव इति अवधारयन् आचार्य किम् निवर्तयति, ते एव योकार के द्वारा यहाँ पर व्यास जी जो आचार्य सूत्रकार वे किस चीज को अलग कर देना चाह रहे हैं? इतर व्यावर्तक होते हैं ना, अन्य योग विच्छेद करता है ये, वह कहते कर्म भेद शंका, कर्म भेद की आशंका को दूर कर रहे हैं योकार के द्वारा। यह ना कहे कि विद्या के लिए सहकारी करण अग्निहोत्र अलग ढंग से की जाएगी, वो अलग होगा, वो अलग प्रक्रिया से होगी उसकी, उसका द्रव्य देवता अलग होंगे, और जो नित्य जो अविद्यावान है, अविद्या जो नहीं चाहता है, हम मुमुक्षु है, वो जो अग्निहोत्र करेगा वो अलग ढंग का है, ऐसा नहीं है। आप चाहे विद्या के लिए अग्निहोत्र कर रहे हैं नित्य कर्म, या विद्या न चाहते हुए आश्रम मात्र आश्रमी मात्र होकर के कर रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे कर्म भेद की जो आशंका कोई करे उसका भी निवारण करने के लिए एवकार प्रयोग हुआ।
यथा कुंडपायना मयने, जैसे कुंडपायनायन में अंत होता है मासम अग्निहोत्रम जुहोती, इस तरह नित्याद अग्निहोत्रात कर्मांतर उपदिशते, और नित्य अग्निहोत्र अपेक्षा से मासाग्निहोत्र नाम का जो चीज है अलग मान लिया गया और उनमें कुछ अंगों में फर्क कर दिया। नित्य अग्निहोत्र का जिस प्रकार से जितने अंग होते हैं उससे थोड़ा अलग करके मासाग्निहोत्र, मासाग्निहोत्र में एक महीना अग्निहोत्र करना ऐसा अर्थ नहीं है, जब यावत जीवन की बात हो ही गया फिर एक महीना का कहाँ आया, वो एक संज्ञा है मासाग्निहोत्र, एक विशेष नाम दिया गया है उस नाम वाला यज्ञ, उस अग्निहोत्र का भी उसी नाम में अग्निहोत्र शब्द भी है, मासाग्निहोत्र में अग्निहोत्र शब्द है, उससे सादृश्यता हुआ, यहां से सारे अंग आने लगे, तब नहीं नहीं सभी अंगों से नहीं करना, कुंडपाय शाखा वाले वहां कुछ अविशेष अंगों का भी पाठ किया। अति दोनों कर्म भिन्न हो गया, नित्याग्निहोत्र नामक अग्निहोत्र अलग है, मासाग्निहोत्र नाम का कर्म अलग हो गया। उसी पर यहां भी आप कहना चाहते क्या, विद्या संबंधी जो कर्म वो अलग होते हैं और जो है अमोक्ष संबंधी जो कर्म होते हैं वो आश्रम मात्र कर्म जो होता है उसका अलग है, ऐसा नहीं समझना। नैवम यह करभेद अस्तित्यर्था, उस प्रकार से यहाँ करभेद नहीं है, कुतः क्यों, उभयलिंगात, उभयलिंगात मतलब श्रुति लिंगात स्मृति लिंगात, श्रुति स्मृति दोनों में इस प्रकार के दोनों प्रकार के कथन करने के लिए लिंग है, हमारे पास प्रमाण उपलब्ध है। श्रुति लिंगम तावत तम एतम वेदावचने ब्राह्मणा विदिशन्ति इति, ये श्रुति लिंग है। सिद्धवद उत्पन्न रूपाणि एव यज्ञादिनि विविदिशानां विनियुङ्क्ते यज्ञेन दानेन तपसा विविदिशन्ति, ऐसे कह करके तपसा तृतीयांश प्रयोग किया, हाँ, वो ज्ञापन क्या कर रहा है, सिद्धवत उत्पन्न रूपाणि एव यज्ञादि, वो जो यज्ञादि क्या है उत्पन्न रूप वाले, उसका अलग कोई विधि नहीं है, यहाँ जो पूर्व में ही कृत जो निष्काम भाव से कृत नित्य कर्म और नैतिक कर्म होते हैं उन्हीं को क्या कर दिया, उन्हीं के पूर्व की विदिशाया विनियुक्त, उनको ही विदिशा में विनियोग कर दिया। न तो जुवती इत्यादिवत अपूर्व, यहाँ कोई जो है जुवत इत्यादि के समान कोई अपूर्व विधि नहीं है, एशाम रूपम उत्पादयति, जुवत इत्यादि के समान यहाँ कोई इनका जो विद्या का अंग भूता जो कर्म होते हैं उन कर्मों का एक नया कोई अपूर्वादि की उत्पत्ति का विचार नहीं है। स्मृति लिंगम अपनी अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यह गीता, विज्ञात कर्तव्यतागमेव कर्म विद्योत्पत्त्यर्थम दर्शयति, विज्ञात कर्तव्यता वाला जो अपने कर्तव्य को जानता है और उन कर्तव्यों को सम्यक प्रकार से निभा रहा है, यथोचित नित्य नियमित कर्मों को निपटाया वही व्यक्ति वास्तव में जो है उस विद्या की उत्पत्ति के लिए हुआ होता है, ऐसा कर्म ही विद्योत्पत्ति के लिए होता है, यह बात स्मृति भी बता रही है। यस्यते अष्टाचत्वारिंशत् संस्काराः इत्याद्या च संस्कारत् प्रसिद्धिर् वैदिकेषु कर्मसु, इस प्रकार से 38 संस्कारों में गिना दिया इन कर्मकांड को पूरे। 38 संस्कार क्या क्या उसके पास, 48 है, 48 है, हाँ 48 है, अष्टाचत्वारिंशत् 48 संस्कार मुख्य रूप में षोडश हम लोग कह देते हैं ना, इन यज्ञों का प्रभेदों को भी संस्कार नहीं लिया है ना, 48 संख्या की पूर्ति कर रहे, कैसे, संभोग पर्यंत गर्भाधान उसे एक मान लो, उन वहां से सब मिला करके जन्म के पूर्व से लेकर के वो जवान हो जाएगा आदमी, गर्भ में जब पिता ने डाला उसने गर्भाधान की थी, वहां से चलते 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 जो है अतः पिता का संभोग शुरू कर दो, पिता ने संभोग किया बच्चा पैदा करने के लिए, वहां से शुरू हुआ, फिर वो गर्भ टिक गया, उसके विभिन्न संस्कार औरत की हुई, पुंसुन संस्कार होता है ना, सब केश वेणी संस्कार होता है, सब संस्कार करते 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 बच्चे का जन्म हो गया, फिर उसका जातगण संस्कार हुआ, चौल संस्कार हुआ, अन्नप्राशन हुआ, होते 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 उसका विवाह हो गया, फिर वो फिर पैदा करने के लिए अपने पत्नी में संबंध करेगा, इसको कहते हैं
संभोग से गर्भाधान पर्यंत, ये कुल मिलाकर कितने हैं? 14 हैं। ये 14 संस्कारों को लेना बोल दिया। फिर पंच महायज्ञ जो रोज करता है ना, वो 5, 14 और 5 19 हो गया। फिर सोममय यज्ञ होता है, सोम प्रधान सोम संस्थाक यज्ञ, वो 7 प्रकार की है ना, सोम संस्थाक भी, अग्निष्टोम संस्थाक है, वाजपेयी संस्थाक वगैरह, उक्त संस्थाक करके छोटी सी संस्थाक, 7 प्रकार का माना गया। सोम संस्थाक 7 प्रकार का याग उसको करना पड़ेगा, और 7 वो संस्कार, उससे वो संस्कारित हो गया। तो 14, 5, 19 और 7 26 हो गया। फिर हवि संस्थाक में 7 है, 7 प्रकार के हवि संस्थाक याग है, 26 और 7 33 हो गया। फिर पाक संस्थाक 7 है, 33 और 7 40 हो गया। और भोजन रहित संहिता का अध्ययन करना 41वा, प्रायण मरण 42वा, और इससे अतिरिक्त जो कर्म करता है अशास्त्रीय पुण्यकर्मादि, बहिर्वेदी दान भंडारा करना इत्यादि इत्यादि, मूर्त दत्तादि कर्म, वो सारे उसके कर्म जो होते हैं वो भी उसको संस्कारित कर रहे हैं, उसको पवित्र कर रहे हैं, पुण्य प्रदान कर रहे हैं ना, वो जो सारा कर्म हो गया एक कर्म नाम से ले लिया, 42 हो गया। जप, जप का घर बैठे जप रहा है, 43 हो गया, 44 हुआ, ठीक है 44। शरीर से उत्क्रमण करना, बिल्कुल वास उत्क्रमण कर दिया, ये 45, और देह को बेटा ने जला दिया 46। अस्थि का संचय करके जाग जाकर इधर उधर प्रवाह कर दिया, गया श्राद्ध किया, मणिकर्ण श्राद्ध किया, कुशावर्त घाट श्राद्ध किया, ब्रह्म कपाल श्राद्ध कर दिया, ये 47। अंत में प्रति महीना और इस प्रति वर्ष वो जो श्राद्ध किया करता है 48, ये 48 संस्कार होता है। तीसरे कहते हैं इनके द्वारा ये सब कर्म, इसलिए क्या हुआ, आश्रमी को चाहे विद्या पाने की इच्छा हो या ना हो करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करते अंतकरण शुद्धि कैसे होगा, विद्या कैसे उत्पन्न होगा, ये नहीं करेंगे तो आश्रमियों को अंतकरण शुद्ध नहीं किया जा सकेगा, उनका अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता तो विद्या उत्पन्न नहीं होगा। इसे विद्या उत्पत्ति के अंग भूते ने कहा यज्ञ से, ये पूरे 48 कर्म का पकड़ में आ जाते। फिर उसमें इसलिए आश्रम कर्म अपने नियम कर दिया, ये तो गृहस्थ के सामने कहते ना, संभोग से गर्भाधान तक करेगा वो, लेकिन वो गर्भाधान नहीं करेगा, वानप्रस्थ है या ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचर्य से संन्यास आया हुआ है, वो कुछ कर्मों को इसमें से छूट जाएगा, उसके लिए उसे छुट्टी पा लिया ना उनसे, तो है ना, आप लोगों ने अब संन्यास में आ गए हो, इस मार्ग में आ गए हो तो गर्भाधान तो करोगे नहीं, तो एक कर्म आपका छूट गया, 48 में एक संस्कार घट गया। ऐसे और कई संस्कार घट जाते हैं, क्यों, आप सागनिक भी ना हो, इसे सोम संस्थाक हवि संस्थाक ये सब याग जो 7 प्रकार पाक संस्थाक 7, ये जो 7 थी 21 वो भी हट गया आपके हाथ से, है कि नहीं, वो भी 7 चले गए, 7 21 गए, 21 एक 22 चला गया, 22 जन बाकी सब तो होगा ही, या नहीं कि आपके बाप ने आप जाने, आप उनके कर्म, आपके कर्म संस्कार जाने, भगवान जाने, है ना, आपके पिताजी ने किए थे कि नहीं किए थे, जातकर्म संस्कार तो कोई करता ही नहीं है, है ना, वो तो अस्पताल में पैदा होती है वो कर देती है, शायद काट देती है वो नर्स धाई, बाप तो रहता ही नहीं, जातकर्म संस्कार कहां से होगा। कई संस्कार तो आजकल लोगों में करते ही नहीं है, अन्नप्राशन जरूरी है वो करा देते हैं, अभी संस्कार तो हो या ना हो टॉफी तो खिला ही देते हैं, टॉफी चुसवा देते हैं, शुरुआत वही होता है, आजकल अन्नप्राशन टॉफी से होता है। कुछ तो जानकर अनजानकर मजबूरी में कर ही देते हैं, और अधिकतर तो छोड़ ही चुके हैं, तो निर्भर होता है इसलिए कौन किस आश्रम में है, उसी हिसाब से उनके लिए सारे कर्म करना पड़ेगा। इत्यादि संस्कार प्रसिद्धि वैदिकेश कर्मसो तत्संस्कृत विद्योत्पत्ति विप्रेत्य स्मृत भवति, इसलिए उन वैदिक कर्मों में जो है संस्कार प्रसिद्धि है, इसलिए उनको करने वाला व्यक्ति कर्मसु तत्संस्कृत उन कर्म संस्कारित जो पुरुष के अंदर ही विद्या की उत्पत्ति होती है,
इसी में प्राय से स्मृतिकारों ने बात कहा है, तस्मात साविदम अभेद अवधारणम। इसलिए यह जो कर्म था अपने आश्रम कर्म था नित्य कर्म, वे ही विद्योत्पत्ति के लिए भी कामयाबी होंगे, अलग अलग दो बार करने की जरूरत नहीं है, कर्म भेद नहीं होता। अनभिभवंच दर्शयति, और दूसरा और भी अनभिभवम ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न पुरुष का राग द्वेष आदि क्लेशों से विभव भी नहीं होता, ये भी दर्शाया। यदि वह नित्य कर्मों को निष्काम भाव से नहीं करेगा, वो राग द्वेष अभिभूत होगा कि नहीं होगा? और श्रुति कह रही है वो राग द्वेष अभिभूत नहीं होता, इसका मतलब क्या है? वह संस्कार से संपन्न है, वेग वैराग्य सब कुछ उसके सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित हो चुका है। ऐसे ही आप इत्यादि से श्रुतियों में दिखलाई गई है। सहकार दुपोत बलगम लिंग दर्शन अनुभवंच दर्शयती, आश्रम कर विद्या के सहकारी कारण है, इसका ही समर्थक एक और लिंग दर्शन प्रमाण दर्शन यहाँ पर श्रुति में है। क्या है वो? ऐसी आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्य अनुविंदते, भगवान कह रहे थे, भगवान भी स्मृति में भी गए तो श्रुति तो ही है, भगवान ने भी कहा ना जो एक बार हमसे जुड़ गया उसका कभी हम बर्बाद ही नहीं करते। अर्जुन ने पूछा क्या है छिन्ना ब्रह्म नष्ट हो जाएगा ये, जैसे बादल इधर के उधर के बर्बाद हो जाते बीच में, वैसे ये जो साधना करने में लगा बेचारा लेकिन न घर का न घाट का हो गया, न उधर गृहस्थी में गया था, पत्नी बच्चे का मौज मस्ती भी नहीं किया, और उधर मुक्ति भी नहीं मिली बेचारे को, इतने मर गया तब क्या होगा, तब वहां पर व्यवस्था दिया। कहते नहीं नहीं उनका कभी बर्बादी नहीं हो सकती है कि नहीं, बल्कि हम कहते ददा में बुद्धि योगम दम, भगवान कहते हैं बल्कि उल्टा हम तो उस अगले जन्म में भी जल्दी से जल्दी उसके थोड़ा सा कर्म भुगता करके जल्दी उसको लघु रटने में लगा देंगे हम। हाँ यानी कि बुढ़ापा में आएगा साधु बनने के लिए, नहीं नहीं वो पहले से आ जाएगा, एक जन्म बुढ़ापा में आएगा, दूसरे जन्म 50 उम्र में, तीसरे में कोई 30 उम्र में आएगा, कभी 20 उम्र में आएगा, नहीं जल्दी से जल्दी उसको धीरे धीरे प्रमोशन होगा, यही तरीका है, अनेक जन्म संसिद्ध का तात्पर्य यही होता है। अच्छा सर्वथा इसलिए कहते हैं कि भाई श्रुति ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्नस्य रागादि भी क्लेश ही, ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्नों के प्रति रागादि क्लेशों के द्वारा इत्यादि ना अनभिभवम दर्शयति, जोड़ देना क्लेश ही अनभिभवम च दर्शयति पूर्वान्वय। कौन है वो श्रुति? एष ही आत्मा न नश्यति, ये जो जीवात्मा जो इस मुक्ष होकर के साधन मार्ग में लगा हुआ था उसका किसी भी प्रकार का नाश नहीं हो सकता, क्यों? जो ब्रह्मचर्य के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा है इत्यादि। तस्मात यज्ञादि ने आश्रम कर्माणि च भवन्ति विद्या सहकारिणि चेति निश्चितम्। इसलिए यज्ञादि क्या है? वो आश्रम कर्म भी होंगे और साथ साथ विद्या के सहकारिणी भी हो जाने में कोई आपत्ति नहीं निश्चय हुआ। इस प्रकार से निश्चय हो गया जो केवल आश्रम या अमुक्ष है उसको भी कर्म करना ही पड़ेगा, मुमुक्ष भी स्वाश्रम कर्म जो कर रहा है उसके अलावा विद्या सहकारी कर्म को पृथक करने की जरूरत नहीं है, जो अपने स्वाश्रम कर्म कर रहा है वही कर्म उसके लिए विद्या का सहकारी भी हो जाएंगे। इसे दो अग्निहोत्र करने की जरूरत नहीं है, मान लो कोई गृहस्थ आश्रम है और उसके मुमुक्ष आ गया और विद्या उत्पन्न करना चाह रहा है, उसके लिए अपना नित्य अग्निहोत्र करेगा गृहस्थ आश्रम मान लो, और विद्या अंग पूछा अलग एक और अग्निहोत्र करे, ये कोई जरूरी नहीं है। उसी और आप जब कर रहे हैं संध्या वंदन किया, संध्या वंदन का अंग पूछा गायत्री जप किया है कि नहीं, वो आपने अपना ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम पालन कर दिया, उससे अलग विद्या की उत्पत्ति के लिए दो माला अलग से जाप करना पड़े ऐसा नहीं है। जो आप नित्य संध्या वंदनांतर्वर्ती किया है गायत्री का जब, वही आपको विद्या उत्पत्ति में भी सहकार, यदि शर्त है क्या निष्काम होनी चाहिए। नित्य संध्या का फलाकांक्षा यदि है, ब्रह्मलोक के मह्यत कह दिया ना नित्य संध्या का फल, तो उस फल की आकांक्षा पर नित्य संध्या कर रहे हो तो वो विद्या उत्पत्ति के उपयोगी नहीं रहेगा। निष्काम भाव से आप स्वाश्रम कर्मों को नित्य नित्य कर्मों को कर रहे हो, वे ही कर्म विद्या उत्पत्ति में भी सहयोगी हो जाएंगे, अलग से करने की भी जरूरत नहीं। ये दो बातें सिद्ध किया। अगला अधिकरण आरंभ होता है, इसका नाम ही रख दिया इसलिए विधुराध्यधिकरणम।
विराज्य अधिकरणम अनाश्रमियों के लिए भी कर्म कांड का अधिकार है या नहीं है, विद्या का अधिकार है या नहीं है, ये विचार करना है। विराज्य अधिकरणम आक्षेप संगति है, ठीक है, आश्रमियों को करनी चाहिए, नहीं लिखा है लिख लो, वहां छपा नहीं है, 35वें सूत्र के बाद में छपा नहीं है, वहां लिखो विदुराध्य अधिकरणम, सूत्र संख्या 36 से लेकर के 39 तक, 36 to 39 चार सूत्रों में यह अधिकरण आरंभ हो रहा है, अनेक ग्रंथों में छपा ही नहीं है यहां पर अधिकरण का संज्ञा, आक्षेप संगति से आरंभ करता है, विदुरादि द्रव्याय संपत्ति रहित किसी एक आश्रम की प्राप्ति से हीन होने के नाते क्या उनको विद्या में अधिकार है अथवा नहीं है, सिद्धांति है बोलेगा, पूर्व पक्षी उन्हें विद्या को कोई अधिकार नहीं, मोक्ष का अधिकार नहीं बोल देगा, विद्या का अधिकार नहीं है तो मोक्ष का अधिकार कहां से आएगा, विद्या नहीं है तो मोक्ष भी नहीं, पूर्व पक्षी कहते उनको विद्या का अधिकार नहीं है, सिद्धांति कहते विद्या का अधिकार है। देखिए अधिकरण सार, विधुराधिकरण नास्त्यनाश्रमणो ज्ञानम अस्तिवान नैव विद्यते धी शुद्ध्यर्थाश्रमित्वस्य ज्ञान हेतोरभावतः अस्तेव सर्वसंबंधी जपादिश्चित शुद्धितः श्रुता हि विद्या रैक्वादेर आश्रमे तु अति शुद्धता। नास्त्य नामे अनाश्रमिणो ज्ञानम अस्तिवा, अनाश्रमियों को विद्या का अधिकार, ज्ञान से तब विद्या, ब्रह्म ज्ञान नहीं, विद्या ब्रह्म विद्या ही ले लो कोई आपत्ति नहीं, ब्रह्म विद्या का अधिकार है या नहीं, पूर्व पक्ष कहते नहीं विद्यते है नहीं उसको अधिकार, क्यों भाई, भाई क्यों इतने राज है उसे, कहते धी शुद्ध्यर्थ आश्रमित्वस्य अंतकरण शुद्धि के लिए ही आश्रमित है, और जब आश्रम ही नहीं है तो अंतकरण शुद्धि का प्रश्न है उसका, अजय विद्या का अधिकार नहीं, धी शुद्ध क्योंकि आप पूर्वाधिकरण में ही तो सिद्ध किया अंतगण शुद्धि के लिए 48 संस्कार आश्रम कर्म भी अंतगण शुद्धि अर्थ ही होता है, तद्वारा विद्या का सहकारी कारण हो गया, ये आप भी आपने कहा है, उसी के आधार पूर्व पक्ष कह रहा है अंतगण शुद्धि अर्थ यदि आपने उनको माना है कर्म को फिर तो आश्रम ही वो नहीं है, आज विद्या का अधिकार भी उसको नहीं, क्यों कर्म नहीं करेगा वो, आश्रम धर्म को पालन नहीं कर सकता वो अनाश्रम ही है, आश्रम कर्म नहीं किया आज अंतगण शुद्ध होगा नहीं, अनुसंधान से विद्या नहीं हो सकती उसे, विद्या तो मोक्ष भी नहीं होगा, आज अधिकारी मत मानो इसको, ज्ञान हेतु अभावतः ज्ञान का जो कारण है वो उसके पास नहीं रह गया, तो सिद्धांत कहते नहीं कहो अस्त्येव है ही उन्हें भी अधिकार है, सर्व संबंधी जपादे चित शुद्धितः, कोई जरूरी नहीं है अंतकरण शुद्धि का 48 संस्कार हो, ठीक है मैंने कहा ना पहले, इसीलिए वो 48 पूरे का पूरा किसको, गृहस्थ आश्रम में रहकर, कि बहुत सारी चीज जो आप नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य आश्रम वाला है उसे ना पत्नी है ना श्रोत अग्नि है, वो कैसे सोम संस्था हवि करेगा, हवि संस्था भी जो यज्ञ कैसे करेगा, पाक संस्था कैसे करेगा, वो कर नहीं सकता, वो 21 तो यू छूट गए और गर्भाधान भी छूट गया है ना, 22 तो मिनिमम कटी गया ना आपका, इसका मतलब कि आपके अंतर्गत शुद्ध होगा ही नहीं, क्यों भाई साहब ने नहीं किया, ऐसे कहा जाएगा क्या, नहीं व्यवस्था, इसलिए स्व स्व आश्रम कर्म बार बार बोल रहे हैं, वो तो श्रुति को समझाने के समझा दिया, 48 संस्कारों के द्वारा आदमी शुद्ध होता है, एक सामान्य ग्रस्त आश्रम के लिए प्राप्त को आधार पर कह दिया, इसे पूरा हम इसलिए बार बार इसमें कहा है, स्व स्व आश्रम कर्म को लेकर के नित्य नित्य कर्मों से अंतर्गत शुद्धि होती है, अतीब वो अनाश्रमी जो होगा उससे उसको क्या प्राप्त अधिकार से अंतरण शुद्धि के लिए, वो उसको भी अपना अंतरण शुद्ध करने कुछ न कुछ तो प्राप्त है, श्रुतियों ने स्मृतियों ने कुछ व्यवस्था दिया है बेचारे पे, उस पर भी कृपा, श्रुति तो ऐसा है ही नहीं जो किसको भी कहा जाए कि उसका अधिकार ही नहीं है किसी भी प्रकार का, है ना, नहीं उसे व्यवस्था दिया तुमको इतिहास प्राण पढ़ो, शूद्र है म्लेच्छ है तुमको भाई वेदांत सुन नहीं सकता, ये अधिकार नहीं तेरे वो अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी तुमको ब्रह्म ज्ञान का अधिकार है, ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा महाराज इन सबके बिना, वो भी हो जाएगा, निष्ठा रखो पुराणों में, पुराण की कथाओं में श्रवण करो, उसी से वेदांत तत्व का चिंतन करो, वहां भी अद्वैत पर बहुत बातें कही गई है ना, तो उसके अद्वैत को अद्वैत अनुभूति कर लेना, इस प्रकार से दयालु श्रुति सभी को व्यवस्था जब दे रही है तो अनाश्रमियों को क्यों नहीं देगी, अनाश्रमियों को कहा तुम्हें और कोई चीज का अधिकार हो या ना हो इन मंत्र जप करने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है, और मंत्र जप करो गुरुमुख से लो और मंत्र जपते 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 उदार हो जाएगा,
इसलिए कहते हैं जपादेश चित्त शुद्धित श्रुता ही विद्या। इसे और प्रमाण देख लो, अब रेक वह वो किस आश्रम में था, गार्गी है, कौन सी आश्रम की है वो, है ब्रह्मचर्य आश्रम में तो है नहीं, गुरुकुल में गई है क्या, गुरुकुल में रह रही है नहीं है, शादी की नहीं की, अविवाहित और गृहस्थ आश्रम भी नहीं हुआ औरत, रेक का भी यही हाल, गुरुकुल से निकल गया बैलगाड़ी लिए घूम रहा है अभी तो क्या है, गुरुकुल से निकल गया हुआ नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी नहीं की, गुरुकुल में स्थायी रह रहा हो, और गुरुकुल विद्या अध्ययनार्थ भी बैठा हुआ नहीं है, अभी निकल चुका वहां से, विद्या अध्ययन नहीं करने से साधारण ब्रह्मचारी भी नहीं, गुरुकुल निवासी न होने के कारण से स्थायी रूप में आजीवन के नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी नहीं, शादी भी हुई नहीं तो गृहस्थ आश्रम नहीं है, और किस आश्रम वाला है वो, कोई आश्रम वाला नहीं, लेकिन उसके पास सवर्ण पर विद्या थी कि नहीं थी, संवर्ग विद्या थी, विद्यावान पुरुष था वो। इस तरह से श्रुति में ही अनेक दृष्टांत मिलेंगे जहां अनाश्रमी होता हुआ विद्यावान पुरुष थे, उनके जैसे प्राचे पूर्वजन का फल मानो चाहे कुछ भी मानो, लेकिन था कि नहीं था उनके पास विद्या, अतः अनाश्रमी को विद्या का अधिकार सिद्ध हो जाता है। श्रद्धा ही विद्या रेक्वादेर आश्रमी तो अति शुद्धता, फिर ये क्यों कहते हो आश्रम में आवश्यकता नहीं रहा फिर ब्रह्म विद्या के लिए, कहते हाँ आश्रम में रह कर लेगा अति शुद्धता, जल्दी हो जाएगा काम, वो थोड़ा पैसेंजर ट्रेन है, अनाश्रमी होकर के विद्या पाने का प्रयास करना वो पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन के समान है, अगर कोई गुड्स गाड़ी में बैठ जाए बंद हो जाए बेचारा भूल चूक से, वो जहां पहुंचने वो कब पहुंचेगा, दो महीने बाद, क्यों गुड्स गाड़ी तो जहां आई वहीं एक एक हफ्ता रुकती है बेचारी, पहुंचेगा ना वो भी तो बेंगलोर तो पहुंचेगा, मुंबई तो पहुंचेगा गुड्स गाड़ी भी, ऐसे नहीं पहुंच रहा है, दिल्ली से निकला है आप बैठ जाओ उसमें विदाउट टिकट जा सकते हैं आराम से सोते सोते, लेकिन महीना भर लगेगा है? राजधानी में जाओ 24 घंटा। तो उसी तरह से आश्रमी होकर के आश्रम का नित्य नित्य कम करते हुए यदि आप विद्या प्राप्त उत्पन्न कर लेना चाहते हैं वो एकदम सुपर फास्ट गाड़ी है, इसलिए आश्रमी तो अतिशुद्धता कर। विधुरादी नाम हाँ अंतरा चापितु तद दृष्टे है, अंतरा चापितु तद दृष्टे है, अंतरा च अपितु तद दृष्टे है, पूर्व पक्षी व्यावर्तन करने तू कह दिया गया, अंतरा आश्रम रहित पुरुषों को, अंतरा मने रहिता अभावा, पूर्व में आश्रमवान पुरुषों की चर्चा हुई और अब अंतरा मने आश्रम रहिता, कहते आश्रम रहित पुरुषों को अपी उनको भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, क्यों तदृष्टे रैक्वादौ, रैक्वादी कथा में देखने को मिलता है। विधुरादिनाम द्रव्यादि संपद रहिता नाम, विधुरादिनाम का मतलब क्या, द्रव्यादि संपद रहिता नाम, ये कोई जरूरी नहीं कि जो जिसका सागरिक पुरुष था बेचारा शादी किया और सोचा बच्चा बच्चा पैदा हो जाएगा लड़का तो हम अग्निहोत्री बनेंगे कर्मकांड करेंगे सोच रहा था, लेकिन जो क्या करे शादी होने के 3 महीने बाद मर गई, अब तो अग्नि वाला हो नहीं पाया, बस तो उतने उन्हीं को मात्र में नहीं लेना, आज इसलिए कह दिया मानो बेचारा शादी भी हुआ लड़का भी है सब है लेकिन है नहीं द्रव्यादि संपत्ति नहीं या किसी अन्य कारणवश बहिष्कृत हो गया, कोई ऐसा कर्म कर दिया मर्डर सर्डर नहीं जिसके कारण से वो बहिष्कृत हो गया, कोई भी उसको जो कर्म कांड कर नहीं सकता, भी निषेध शास्त्रों के आधार पर मजबूरी में किसी वश से हो गया गलती उसे शास्त्र के साथ दंड पालन कर रहा है इसको कर्म कांड का अधिकारी नहीं रह गया, इत्यादि अनेकों कारण हो सकते हैं कि आप आश्रम धर्म को पालन नहीं कर पा रहे मजबूरी हो गया, कहते आश्रम के कर्म का पालन करने में द्रव्यादि संपद रहितानंच अन्यतम आश्रम प्रतिपत्ति हीनानं, किसी भी चार में से कोई भी एक आश्रम को प्राप्त करने से रहित हो गए हैं अप्राप्त हो चुका है, अंतरालवर्तिनाम बीच में लटके पड़े बेचारे, किम विद्यायाम अधिकार अस्ति किम वा नास्ति इति संशय, क्या ऐसे लोगों को भी विद्या में अधिकार है अथवा नहीं है, ऐसा संशय होने पर नास्ति तावत प्राप्तम, पूर्व पक्ष प्राप्त होता
है नहीं उनको विद्या अधिकार। आश्रम कर्म नाम विद्या हेतुत्वधारणात् आश्रम कर्म असंभवाच्च एतेषा इति। आश्रम कर्म विद्या का कारण होने से, आश्रम कर्म नाम पूर्वपक्ष हेतु दे रहा अपना, क्योंकि आश्रम कर्म का अपने कहा था विद्या का हेतु निश्चय कर चुके हो और आश्रम कर्म इसके द्वारा असंभव है, अतएव इन्हें विद्या में अधिकार नहीं है। एवं प्राप्ते इदम महा, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर जवाब में कहते हैं अंतरा चापितु अनाश्रमित्वेन वर्तमान उपित्यर्थ। अंतरा अंतरा माने आश्रम आश्रमित्व भावेना वर्तमानो अपि विद्यायाम अधिक्रियते, फिर उसको विद्या में अधिकार है। कुतः क्या कारण है? तद्दृष्टे रैक्व वाचक नवी प्रवृत्तिनाम एवं भूतानां भी ब्रह्मवित्त श्रुति उपलब्ध है। वाचक नवी ने गार्गी रैक्व गार्गी इत्यादियों के अंदर एवं भूतानाम जो अनाश्रमी होते हुए भी उन लोगों को ब्रह्मवित्त उनमें देखा गया है, ब्रह्मवित्त श्रुति उपलब्ध है। अपिच स्मर्यत, इतना ही नहीं स्मृति भी कार्य के श्रुति नहीं। संवर्त प्रवृति नाम बृहस्पति का छोटे भाई संवर्त नामक ऋषि थे इत्यादियों की कथा महाभारत में मिलता है। संवर्त प्रवृति नाम संवर्त एक ऋषि का नाम है, बृहस्पति का छोटा भाई है। नग्नचर्या आदि योगात, वो भी क्या है नागा बाबा बन गए थे, नग्नचर्या आदि योगात नागा आदि बन करके तपस्या किया उन्होंने, पूरा नंग धड़ंग खड़े होकर तपस्या की। और नग्नचर्या आदि होगा जो कि यह सब आश्रम कर्म नहीं है, किस आश्रम में भी नग्न रहने का, किसी भी आश्रम में भी नहीं नग्न रहने का। एक जो अंतिम परम सन्यासी जो होता है सब कुछ त्याग कर ऊपर चला गया हिमालय की ओर चला जाता है या प्रणव का जप करते हुए अपना अनुभूति करने के लिए, उनके अलावा और किसी को नग्न रहने को अधिकार। इसे कहते देखो नग्नचर्या आदि होगा अनपेक्षित आश्रम कर्मणाम, उनके अंदर कोई भी आश्रम कर्म की अपेक्षा नहीं थी, नहीं किया उन्होंने। तब ये महायोगित्व स्मर्यते इतिहास है, महायोगित्व का बारे में उनकी जो है फल उन्हें प्राप्त हुआ यह बात इतिहास रूप महाभारत में सुनने को मिला, महाभारत स्मृति। और उनका संकेत जो है मनुस्मृति में भी है, मनुस्मृति का दूसरे अध्याय 87 श्लोक में संकेत इनके बारे में कथन यहां है 2:87 में। पूर्व पक्ष कहते हैं महाराज ठीक है ये कथा प्रवचन में तो है कथाओं में इस प्रकार की, लेकिन ननु लिंगम इदम श्रुति स्मृति दर्शनम उपन्यस्तम कानु खलु प्राप्ति, इसे क्या सिद्ध हो रहा है कि विधि कर दोगे इनका, इन कथाओं के आधार विधि कर देंगे हम। ये जो श्रुति स्मृति दर्शन रूपा लिंग आपने जो प्रस्तुत किया उपन्यास किया इनसे क्या विधि वाक्य कौन है इनकी प्राप्ति का, उसकी प्राप्ति का विधि वाक्य कहां है बोल रहा है कानु खलु प्राप्ति, कानु खलु विधि प्राप्ति, इन चीजों के विधि की कहां है उपलब्धि। कहते विधि भी है सा विधियत, उसी विधि के बारे में कथन करने जा रहे हैं। विशेष अनुग्रहश्च इति विशेषानुग्रहश्च कर दिया तेषाम अपि च विधुरादि नाम अविरुद्धैः, क्योंकि रैक्वादि अनाश्रमियों का जप आदि ज्ञान के हेतु भूत कर्म विशेषों से विद्या में अधिकार सुना जाता है। वह कर्म विशेष उनका वो कर्म नहीं, सागनिक कर्म आदि नित्य नियमित जो कर्म विहित आश्रमियों के लिए वो नहीं कर सकता है, इन कर्म विशेष का यहाँ पर अनुग्रह करके कथन किया हुआ श्रुति ने। कर्म विशेष क्या है वही जब तेषां च विदुरादीनां अविरुद्धैः पुरुष मात्र संबंधी भी जप उपवास देवता आराधना आदि भी धर्म विशेष ही अनुग्रहो विद्यायाः संभवति। उन विद्रादियों को पुरुष मात्र का संबंधी है जो अविरुद्ध जो पुरुष मात्र संबंधी चाहे आश्रमी अनाश्रमी मुमुक्षु अमुमुक्षु जो भी है मनुष्य है ना बस हो गया उसको इन चीजों का अधिकार है। मनुष्य होना चाहिए बस, बाकी वो म्लेच्छ है कि आम्लेच्छ है कि वैदिक है कि अवैदिक है क्या है क्या नहीं, इससे कोई लेन देन नहीं। मनुष्य मात्र के लिए जो अधिकार है जिन चीजों का संबंध कथन हुआ है उन चीजों का अधिकार उनको भी है या नहीं, उसके अंदर अंतकरण शुद्धि हो जाएगी। क्या क्या है उनको वो चीज, कहते जप उपवास ठीक देवता का आराधन
उसी के सदृश अन्य भी जितने भी है, जिसमें कोई आश्रम आदि व्यवस्था का कोई संबंध नहीं होता। धर्म विशेषेर अनुग्रह विद्या संभवती, विद्या का अनुग्रह संभव है। तथा च स्मृति, इस स्मृति प्रमाण भी है, जप्येनैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः, कुर्यात् अन्यन्न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। मैत्रेय ब्राह्मण में यह बात साफ कहा है, ऐसे स्मृतिकार कह रहे हैं, केवल जप के द्वारा ब्राह्मण सब कुछ संसिद्ध कर लेता है, इसमें कोई संशय छह नहीं, चाहे वह अन्य कर्म को करें वा न करें। इति असंभव आश्रम कर्मणोपि, इसलिए असंभव आश्रम कर्म, जिसको आश्रम कर्म का अनुष्ठान करना संभव नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी जप ये अधिकार अंदर से थी, जप करने में अधिकार श्रुति स्मृति श्रुति के आधार पर सिद्ध हो गया। जन्मांतरष्टितैरपि च, चलो ये भी पक्ष दिखा दिया, हो सकता है पूर्व जन्म खूब उसने आश्रम कर्म कर रहा है, करते करते मर गया, अब इस समय इस जन्म इसलिए अनाश्रमी होकर के जप माध्यम से उसने अपना कल्याण कर लिया। अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याति परामितेश्व स्मृति प्रमाणे जन्मांतर अनुष्ठितैरपि च आश्रम कर्म भी संभवत्येव विद्यायाः अनुग्रह, विद्या का अनुग्रह तब भी संभव हो सकता है। इस स्मृति के आधार पर अनेक जन्म संसिद्ध तथो याति परांगतिम इति जन्मांध्र संचितान्नपि संस्कार विशेषान अनुग्रहीत्रीन विद्यायाम दर्शयते। जन्मांध्रों से संचित संस्कार विशेष विद्या को प्राप्त करने में अनुग्रह करते हैं, यह बात साफ दर्शाया गया है। दृष्टार्थाच विद्या प्रतिषेधा भाव मात्रेणापि अर्थिनम अधिकरोति श्रवणादिश। इतना ही नहीं, विद्या दृष्ट फल के लिए है, उसके लिए विधि करने कोई जरूरत नहीं श्रुति को। जैसे दृष्ट फल होता खेती है, फसल होना है, गेहूं होना है, उसके लिए श्रुति बोलेगी क्या? तुम खेती में जो है बो भाई है, खेती वगैरह का जो ग्रामीण कर्म होते सामान्य, उनके लिए श्रुतियों में कोई विधि नहीं है। श्रुति तो उस चीज के लिए करे ना जो प्रत्यक्ष अनुमित्याचस्त उपायों न बुद्धिते, जो प्रत्यक्ष अनुमान से जिन उपायों को आप जान पा रहे हैं उसके लिए श्रुति की अपेक्षा ही नहीं है। आते हुए श्रुति अनाश्रमिक कोई विधि नहीं किया, समझो। दृष्टार्थाच विद्या, इसलिए प्रतिषेध अभाव मात्र, इसे ये देखना पड़ेगा यदि विद्या अनाश्रमिक को नहीं है यदि कहना चाहते, उसका प्रतिषेध विधि होनी चाहिए था। जिनको जिस चीज का अधिकार नहीं है उन चीजों के बारे में प्रतिषेध विधियां उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन प्रतिषेध का अभाव होने मात्र से हम निर्णय ले रहे हैं। अर्थिनाम कोई भी हो, वो विद्या का अर्थी होनी चाहिए। अधिकरोति श्रवणादिशो, दृष्टार्थ दृष्ट फल वाला होने से विद्या, वह विद्या क्या करती है? सभी को श्रवणादियों में अधिकार प्रदान करती है। तस्मात विदुराजनम अप्य अधिकारो न विरुद्यते, विदुराजियों को भी अधिकार प्राप्ति में कोई विरोध नहीं है।